तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। हाँ, यहाँ हम पढ़ रहे थे कि भाई इमेज आपको जो भी लगानी है वो कौन सी लगानी है, स्टॉक इमेजेस लगानी है, मतलब ऐसी इमेजेस लगानी है या तो उसमें कॉपीराइट ना हो किसी का, ठीक है, या अगर कॉपीराइट हो तो आपको एक्सेस होना चाहिए, अदरवाइज आपकी वेबसाइट जो है वो ब्लॉक भी हो सकती है। अच्छा, स्टोरिंग इमेज इन योर साइट, ये भी हम देख चुके थे कि आपकी वेबसाइट में एक फोल्डर होना चाहिए इमेजेस का, जितनी भी इमेजेस आपकी वेबसाइट में इस्तेमाल हो रही है वो उसमें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ठीक है, रूट पे ऐसे ना हो कि रूट पे भी पड़ा हो, हर पेज के साथ पड़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज फोल्डर होना चाहिए उसमें आपकी सारी इमेजेस हों। अच्छा, एडिंग इमेज हमने देख लिया था, इमेज का टैग लगा के उसमें तीन एट्रीब्यूट्स हम पास कर सकते हैं, सोर्स में उस इमेज का पाथ देते हैं हम, वो HTTP पाथ भी हो सकता है, ठीक है, और वो कोई लोकल पाथ भी हो सकता है कि भाई लोकल /images/image का नाम। उसके बाद अल्टरनेट टेक्स्ट एक हम लगाते हैं साथ में कि किसी भी वजह से अगर इमेज हमारी लोड ना हो पाए तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो नज़र आ जाए, या अगर कोई स्क्रीन रीडर के जरिए वेबसाइट को रीड करे तो वो ज़ाहिर है उसको देख नहीं सकता, तो अल्टरनेट उसको कुछ ना कुछ पढ़ के बता दे कि क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है अ फैमिली ऑफ क्वाका, ये इन्होंने अल्टरनेट टेक्स्ट में लिखा है कि एक चूहे की एक कोई नस्ल होती होगी क्वाका, उसकी एक फैमिली जो है वो खड़ी हुई इस इमेज में। अच्छा, टाइटल होता है, टाइटल जो है वो कुछ ब्राउजर्स में जब आप हवर करते हैं इमेज पे, माउस का कर्सर लेकर जाते हैं तो वहाँ पे टूल टिप की तरह आपको ये टाइटल नज़र आ जाता है, ये हमने पढ़ लिया। विर्थ हाइट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि इमेज जो आप अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे वो एग्जैक्टली उसी साइज़ की होनी चाहिए जिस साइज़ की वहाँ पर आपको ज़रूरत है। अच्छा, और वही साइज़ आप विर्थ हाइट में यहाँ पर पास भी करेंगे, उससे होगा ये कि आपकी वेबसाइट जब लोड होगी तो वो ब्रेक होते हुए लोड नहीं होगी, ये हमने लास्ट जो बार डिस्कस की थी कल वो यही की थी कि आप उसमें विर्थ हाइट अगर देंगे तो आपका जब पेज लोड होगा तो वो उतने इमेज की जगह को छोड़ेगा और वहाँ पे ब्लैंक आ रहा होगा ज़ाहिर है शुरू में, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपका पेज लोड होगा तो वो इमेज वहाँ पर आ जाएगी। अगर आप विर्थ हाइट ये नहीं देते हैं तो होगा क्या उससे कि आपका जो सारा टेक्स्ट है वेबसाइट का वो यूँ चिपका हुआ होगा, ठीक है, वो वर्टिकली यूँ चिपका हुआ होगा, बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, बीच में एक इमेज आएगी और टेक्स्ट आपका नीचे स्ट्रेच होगा और फिर बीच में इमेज विजिबल होगी, तो इससे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यूज़र पे इम्प्रेशन इससे थोड़ा बुरा पड़ सकता है, तो इस वजह से हम ये लगाते हैं। इसको हमने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा था तो ज़रा जल्दी से ज़रा हम इसको ना एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं कि ये बिहेवियर असल में होगा कैसा। ठीक है जी, मैंने ओपन फोल्डर किया, ओपन फोल्डर करके मैं डेस्कटॉप पे गया, फर्स्ट वेबसाइट के नाम से एक छोटी सी हमने वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें हम चीज़ें लगा लगा के देख रहे थे। अच्छा, इसमें मैंने होम पेजेस का ओपन कर लिया कॉपी पाथ, और कॉपी पाथ करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन कर लिया। ठीक है जी, ये मेरे पास एक अदद वेबसाइट है छोटी सी जो हम सब चीज़ें लगा लगा के देख रहे हैं। अब मैं इस वाली लाइन के बाद ना एक इमेज इसमें लगाता हूँ, इमेज में कैसे लगाऊंगा, मैंने कहा इमेज और इमेज में चला गया और मैंने कोई भी यहाँ से इमेज एक उठा ली सिंपल सी, मैंने राइट क्लिक किया ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो इससे क्या हुआ मुझे ये URL मिल गया इस इमेज का, मैंने URL को कट किया। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि SRC के अंदर क्या हो सकता है, आपके लोकल URL भी हो सकता है कि भाई इस इमेज के फोल्डर में पड़ी हुई है, और कहीं रिमोट URL भी हो सकता है मेरे पास। अच्छा, कहाँ था भाई वो मेरा, इस वाली के बाद लगाना है ना मुझे, गो टू स्पेसिफिक H1 के बाद जो हेडिंग है उसके बाद लगाना है, गो टू स्पेसिफिक H1, इसके बाद जो ये पहली हेडिंग है मुझे इसके बाद लगाना है, यहाँ पे मुझे एक इमेज लगानी है। मैंने कहा IMG टैब का बटन दबाया, SRC में मैंने वो URL पेस्ट कर दिया, जो मैंने कॉपी किया था वो URL मैंने पूरा पेस्ट कर दिया, इसको मैंने लाइन ब्रेक करके नीचे कर दिया। अल्टरनेट टेक्स्ट में मैं क्या लिख देता हूँ, जो भी इस इमेज से रिलेटेड कुछ बात, एक मिनट, सेव नहीं किया ना मैंने, ये इमेज थी क्या, इमेज एक लेंस की इमेज है, तो मैं क्या कर देता हूँ कि अ कैमरा लेंस। ठीक है, ये अल्टरनेट टेक्स्ट में मैंने ये बात लिख दी, सेव कर दिया इसको मैंने। अब सेव करने के बाद ये जो इमेज है इसका ज़ाहिर है एक साइज़ है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब इसको ना हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया, नेटवर्क में गया, गूगल क्रोम के अंदर डेवलपर टूल्स होते हैं जो हमें इस चीज़ के लिए अलाउ करते हैं कि हम इंटरनेट स्लो करके ना सिमुलेशन कर लें, तो मैं यहाँ पे आके इंटरनेट की स्पीड स्लो कर देता हूँ। कैसे करूँगा मैं इंटरनेट की स्पीड स्लो, थ्रॉटलिंग, ये थ्रॉटलिंग बना हुआ है, मैंने इसमें कह दिया स्लो 3G, कि इंटरनेट की स्पीड क्या हो जाए, स्लो 3G हो जाए,
अब जब इस वेबसाइट को मैं लोड करूंगा तो ये स्लो 3G पे जैसे लोड होती है ना वेबसाइट, वैसे होगी ये लोड। तो मैंने रिफ्रेश किया इसको, अच्छा ये इमेज असल में कैशे हो गई है, तो मैं इसको कैशे क्लियर भी मुझे करना पड़ेगा। नोट कीजिए क्या हुआ, नोट किया सब लोगों ने, दोबारा से दिखाता हूँ। एम्प्टी कैशे एंड रीलोड, शुरू में यहाँ पे कोई स्पेस नहीं छोड़ा इसने, लेकिन जैसे ही इमेज आई ना तो वो खिंच के बड़ा हो गया। अच्छा अब ऑन अदर हैंड मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना ये चाहिए कि इस इमेज का जो भी मेरे साइज़ है ना एक्चुअल साइज़, वो साइज़ मुझे इसको देना चाहिए। वैसे ये इमेज बहुत बड़ी है, मैं थोड़ी छोटी इमेज ट्राई करता हूँ कोई, मैंने कहा साइज मीडियम, ठीक है मैं कोई कोई लोगो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है लोगो आमतौर पे थोड़े छोटे होते हैं, गिटहब लोगो, ठीक है मिसाल के तौर पे ये मैंने लोगो ट्राई कर लिया, ये तो बहुत ही बड़े साइज में, सही है 512 बाई 512 का साइज है। मैंने कहा ओपन इमेज इन न्यू टैब, इन न्यू टैब, तो मुझे इसका ये URL मिल गया। मैंने इसको URL को कट किया यहाँ से, और इस URL को कट करने के बाद सेव कर दिया इसको मैंने, ठीक है। इस इमेज का जो साइज़ है वो अकॉर्डिंग टू गूगल मुझे पता चल रहा है कि क्या है इसका, 512 बाई 512 है। उसके अलावा इसको मैं जब डाउनलोड करके अगर ले आता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको मैंने ड्रैग करके डेस्कटॉप पे लाके छोड़ दिया तो ये डाउनलोड हो गई। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ना मेरे पास गेट इन्फो आ रहा है, जो विंडोज़ के यूज़र है उसमें प्रॉपर्टीज़ आ रहा होता है, तो प्रॉपर्टीज़ में जब जाऊँगा ना तो यहाँ पे भी मुझे ये क्या कर देगा, इसका साइज़ मुझे शो करके बता देगा ये कि भाई ये इसका क्या है साइज़, 512 बाई 512 है, ठीक है। विंडोज़ में क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे आप और प्रॉपर्टीज़, ऐसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल लास्ट में आ रहा होता है, वहाँ पर भी आपको ये सेम चीज़ दिख जाएगी कि इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, सही है। तो 512 बाई 512 है इसका डायमेंशन। अब मैं यहाँ पे आके दोबारा से इसको चेक करता हूँ इस वाली इमेज के साथ, मैं अपनी वेबसाइट पे गया, मैंने कहा कैशे क्लियर एंड रीलोड, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, अभी इमेज लोड हुई तो टेक्स्ट को नीचे इसने ग्रैब कर लिया। अच्छा असल में होना ये चाहिए था कि टेक्स्ट डायरेक्टली यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। अब होगा ये कैसे होगा, मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा भाई इसकी जो विड्थ है, ठीक है 512 है वो, और इसकी जो हाइट है वो भी 512। रिफ्रेश किया मैंने, कैशे क्लियर करके करना पड़ेगा मुझे। नोट करें इमेज लेट, देर से लोड हो रही है लेकिन मेरी स्क्रीन हिल नहीं रही, इमेज लोड होने से पहले मेरी स्क्रीन हिल नहीं रही है, ठीक है। दोबारा मैं एक दफ़ा करता हूँ, ऑब्जर्व कीजिएगा, जो टेक्स्ट जहाँ होना था वहीं पे है, क्योंकि उसको पहले से पता है कि 512 साइज़ की इमेज आने वाली है। अच्छा अगर मैंने इसको क्या कर दिया, एक चीज़ और भी करके दिखाता हूँ, अगर मैंने इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर दिया ना, मैंने कहा हाइट इसकी क्या है 300 है, तो अब ये इमेज स्ट्रेच हो जाएगी, ऐसा करने की वजह से इमेज स्ट्रेच हो गई, ठीक है। तो आपको साइज़ एग्जैक्टली वही लिखना है जो साइज़ की इमेज है, अगर मैंने अलग साइज़ लिखा तो इमेज हमारी स्ट्रेच हो जाएगी, जो कि मुनासिब चीज़ नहीं है, बहुत बुरा लगता है स्ट्रेच हुई भी इमेज अगर किसी साइट पे हो तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा अगर मुझे इसको 512 बाई 512 की इमेज है, मुझे इसको असल में छोटा करना है, मुझे इतनी बड़ी इमेज चाहिए नहीं, ठीक है मेरे साइट में ये इमेज बहुत बुरी मतलब बड़ी साइज़ की आ रही है, मुझे चाहिए थोड़ी छोटी इमेज, तो इसको मैं छोटा कैसे करूँगा। आम तौर पे हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ना कोई ऐसी ऐप होती है जिसके ज़रिए आप इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है विंडोज़ के अंदर, उसमें आप इसको रीसाइज़ का ऑप्शन होता है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूँ मैक की, तो इसके अंदर मार्कअप के नाम से एक ऐप होती है, ये मैंने इसको ओपन किया मार्कअप का बटन प्रेस करके, और यहाँ पर एक आ रहा होगा रीसाइज़ एडजस्ट साइज़, ठीक है यहाँ पर मैं इसका साइज़ छोटा कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई मुझे 200 पिक्सल बाई 200 पिक्सल की करनी है, ओके कर दिया मैंने, छोटी हो गई इमेज, ठीक है। रीसाइज़ का क्या आ रहा होता है, सब जगहों पे रीसाइज़ का ऑप्शन आ रहा होता है। अब मैं इसको गेट इन्फो करके जब जाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे इसका साइज अब 200 बाई 200 हो चुका है, राइट। विंडो में दिखता है साइज, किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, ठीक है, और प्रॉपर्टीज में जाओगे तो वहां पे डायमेंशन के नाम से आ रहा होगा, आ रहा है चेक करो, माउस रखने से भी आ जाता है, ये तो अच्छी बात है। फिर कहाँ पे आ रहा है, हाँ सॉरी
अच्छा तो ये तो अच्छा है ना, माउस थोड़ी देर रख के ऐसे हवर करेंगे तो कह रहे हो तुम आ जा रहा है, सही है, विंडोज में ऐसे करके देख लो। अगर उसमें भी ना समझ में आया तो गूगल कर लेना जाके, मिसाल के तौर पे अगर मैं जाके गूगल पे लिखूं कि हाउ टू चेक साइज ऑफ एन इमेज और विंडोज मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे पता चल जाएगा। आर्टिकल्स देखो, कोई आर्टिकल आ गया मेरे सामने, ये बता रहा है कि भाई कैसे पता चलेगा किसी भी इमेज का साइज, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं आर्टिकल में कैसे करके बता रहा है। ठीक है, कह रहा है आप एक्सप्लोरर में जाओ, एक्सप्लोरर में जाने के बाद किसी भी इमेज पे, अच्छा ये भी वही कह रहा है कि थोड़ी देर हाथ रख के आप हवर करके रखो तो आपको पता चल जाएगा। नहीं आ रहा, अच्छा प्रॉपर्टीज में जाके डिटेल्स में जाना पड़ रहा है। इसने सारे तरीके बता दिए, देखो मैक का भी बता रहा है गेट इन्फो में जाना पड़ेगा। ठीक है, गेट इन्फो में जाके मैक से कह रहा है कि आएगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये हमने देख लिया। अच्छा अब इसको मैंने 200 बाई 200 कर दिया है, तो चूंकि रिमोट से जब मैं मंगवा रहा हूँ तो वो तो 512 ही है ना, उसको तो मैं रिसाइज नहीं कर सकता, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कॉमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं अपने पास इमेजेस का एक फोल्डर बना लूँगा, यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बना के अब मुझे इस इमेज को कहाँ करना है, उस फोल्डर में ले जाके रखना है। फोल्डर में आ गई इमेज, ठीक है, मैंने कहा लोगो डॉट पीएनजी, नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, आसान नाम कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा img टैब और मैं कहूँगा स्लैश इमेजेस और स्लैश लोगो डॉट पीएनजी। ठीक है, अब इसका साइज़ क्या हो चुका है, 200 बाई 200 हो चुका है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, मैंशन नहीं किया मैंने, तो फिर से वही हुआ, मेंशन नहीं किया मैंने तो फिर से वही हुआ। नोट करो, पेज पूरा फ्लिकर मार रहा है। अच्छा, क्योंकि अभी ये लोकल इमेज है, मेरे लोकल मशीन से उठ के आ रही है, तो उस पर थ्रॉटलिंग वाली चीज़ काम नहीं कर रही उस तरह से ना जैसे उसको करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इमेज पूरी, पेज मेरा पूरा जो है वो हिल रहा है, तो मुझे अब इसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे विड्थ हाइट इसकी बतानी पड़ेगी कि भाई 200 और हाइट भी इसकी क्या है, 200 है। तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये इस तरह से फ्लिकर नहीं करेगा। ठीक है, नोट करें, वो फ्लिकरिंग बंद हो गई। खैर, तो ये बात सबको क्लियर हुई, इसमें किसी का कोई सवाल तो नहीं है। जी दोस्त, देखो अभी जो मैंने गूगल से उठा के लगाया ना, इस तरह तो लगा सकते हैं आप, लेकिन कभी भी आपको इस तरह लगाना नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है कि गूगल पे जितनी भी इमेजेस आ रही होती हैं, गूगल ने छोटा सा डिस्क्लेमर नीचे लगाया हुआ था कि भाई दिस इमेज मे बी सब्जेक्ट ऑफ अ कॉपीराइट, इस तरह करके बताया हुआ होता है। तो पॉइंट ये है कि जितनी भी गूगल सर्च पे इमेजेस आ रही थी वो सब कॉपीराइटेड होती हैं। अगर आप डेमो के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं यहाँ तक तो सही है, लेकिन आप किसी क्लाइंट को अगर वो बना के देंगे तो बाद में उस पर कॉपीराइट का स्ट्राइक आ सकता है उनकी वेबसाइट पर। ठीक है, अभी हमारे यहाँ इस तरह से होता नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में एक सिस्टम होता है, जैसे YouTube पे स्ट्राइक आ जाता है ना कि भाई किसी का कंटेंट लगा दिया, तो इस तरह वेबसाइट पे भी स्ट्राइक आ जाता है। ठीक है, किसी खास रीजन में आपकी वेबसाइट बैन हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको या तो गेटी इमेज जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उस तरीके से करना है, अदरवाइज़ कोई ऐसी साइट तलाश करनी है जहाँ से आपको ओपन इमेजेस मिल जाएँ, जिसके राइट ओपन हुए थे वो वाली इमेजेस, तो वो लगानी चाहिए। ठीक है, तीसरा तरीका ये होना चाहिए कि आप ना कोई ग्राफिक खुद से जनरेट कर लें। आमतौर पे कंपनीज जो होती हैं वो अगर फोटोग्राफी होती है तो वो अपनी खुद करती हैं फोटोग्राफी। ठीक है, जैसे मीट वन है, अब उनको गोश्त की इमेजेस चाहिए ना लगानी है वेबसाइट के ऊपर, तो वो गोश्त की तस्वीर खींचते हैं खुद, अपना बंदा बुला लेते हैं उसे कहते हैं खींच दो। ग्राफिक्स बनानी होती है तो उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर है कैनवा करके, ठीक है, canva.com। तो यहाँ पर आप जो है क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स खुद की आप क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे रीसेंट डिज़ाइंस में जाता हूँ तो मैंने जो ग्राफिक्स क्रिएट की हैं उसके ऊपर वो दिख रही होंगी। ठीक है, ये देखो वेब डेवलपमेंट, ये रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया था तो उसके लिए ये बना हुआ है, पोस्टर है उसका ये। तो यहाँ पे बहुत ईजिली ना इस तरह की ग्राफिक्स बन जाती है, तो बेहतर तो ये हो कि आप अपनी ग्राफिक्स इस तरह से बना लें। ठीक है, अगर आपको कहीं पर ज़रूरत है तो, और अगर कहीं से बनी बनाई मिलती है तो आप वो राइट खरीद लें उसकी। जी फोल्डर वाला, सॉरी फोल्डर में इमेज करने के बाद आपने जो टाइप किया था, फोल्डर में इमेज ये मैंने सेव कर दी इस जगह पे लाके, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ उसको, और उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने लिखा img, सॉरी
IMG और टैब का बटन दबाया तो ये पूरा हो जाता है, ठीक है। VS Code के अंदर ये फीचर है। डॉट स्लैश लिखेंगे आप तो सजेशन खुद ही आना शुरू हो जाएगी। इमेजेस स्लैश, देखो लोगो डॉट png खुद से ही आ गया था यहाँ पे। अच्छा, अगर ये सजेशन आपके पास नहीं आ रही है ना तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल और स्पेस बार तो आपके पास ये सजेशन आ जाएगी, ठीक है। मैक में और विंडोज़ में दोनों में सेम शॉर्टकट है। तो मैंने लोगो डॉट png लगा दिया, ठीक है। इस तरह से ये इमेज डिस्प्ले हो गई। इसको हम कहते हैं लोकल इमेजेस, कि मेरे फोल्डर में ही पड़ी हुई इमेज, ठीक है। अच्छा, जब आप उसको होस्ट करेंगे तो भी आपको एज इट इज़ ये काम करना चाहिए इसको। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया, इमेज हमने समझ लिया, विर्थ हाइट समझ लिया। वेयर टू प्लेस योर इमेज इन योर कोड, के आपको कहाँ पे प्लेस करना है इमेज को अपनी वेबसाइट के अंदर, तो तीन तरीके हो सकते हैं इसके, बिफोर अ पैराग्राफ, इनसाइड अ पैराग्राफ और इन द मिडल ऑफ अ पैराग्राफ। इन तीनों के ना करने का तरीका बताया हुआ है। कह रहे हैं कि आप पहले इमेज लगाएं, उसके बाद एक पैराग्राफ हो। अखबार के आर्टिकल आमतौर पर इसी तरह होते हैं कि एक बड़ी सी इमेज होती है, उसके नीचे फिर टेक्स्ट पूरा लिखा हुआ होता है, ठीक है। पैराग्राफ के शुरू में भी हो सकता है, समटाइम आपने देखा होगा वो लेटर लिखा हुआ होता है, बड़ा सा टी लिखा हुआ होता है बड़ा सा, उसके बाद दा करके और पूरा आर्टिकल स्टार्ट हुआ होता है। इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है, ठीक है। तो आप तीनों जगहों पर लगा सकते हैं, ये कोड लिखा हुआ है, ये खुद से चला के देखने वाली चीज़ है। अच्छा, तो ये आप खुद से चला के देखिएगा, इसमें अगर कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिएगा। अच्छा, ये ओल्ड कोड कुछ लिखा हुआ है उसी काम को करने का जो पैराग्राफ में मिडल और आगे पीछे किया हुआ था, उसी को करने का ये ओल्ड तरीका भी मेंशन हुआ हुआ है। तो ये ओल्ड तरीका भी आप करके देख लीजिएगा, लेकिन जाहिर है आप जो नई वेबसाइट्स बनेंगे उसमें हम ये ओल्ड तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा भाई, थ्री रूल्स ऑफ क्रिएटिंग इमेज। अब ये तो हो गई इमेज को लगाने की बात, लेकिन इमेज होनी कैसी चाहिए, अब ये भी एक सवाल है कि इमेज किस तरह की होनी चाहिए, वो यहाँ पे बात डिस्कस हो रही है। देयर आर थ्री रूल टू रिमेंबर व्हेन यू आर क्रिएटिंग इमेज फॉर योर वेबसाइट विच आर समराइज बिलो। वी गो इन टू ग्रेटर डिटेल ऑन ईच टॉपिक ओवर द नेक्स्ट 9 पेजेस। अब कह रहा है ये जो तीन बातें हुई हैं ना, इसमें अगले 9 पेजेस पे ना इसी पे बात हुई है सारी। नंबर एक, सेव इमेज इन राइट फॉर्मेट। इमेज का जो फॉर्मेट होना चाहिए ना वो राइट होना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, नंबर टू, सेव इमेज एट द राइट साइज, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर 512 साइज की इमेज चाहिए तो उसी साइज की होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो रीसाइज कर लो, वो बताएगा भी अभी आगे ये कि रीसाइज कैसे करते हैं, मैंने तो बता दिया लेकिन बुक में अभी आगे आएगा। यूज द करेक्ट रेजोल्यूशन। अभी रेजोल्यूशन क्या चीज होती है, कौन बताएगा? पिक्सल्स होते हैं, जैसे स्क्रीन, जब आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो उसमें स्पेसिफिकेशन में ये मेंशन होता है कि स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है, ठीक है। रेजोल्यूशन को उर्दू में रेजोल्यूशन किस चीज को कहते हैं, कौन बताएगा? यानी इस वर्ड का ट्रांसलेशन कोई बता सकता है? इसकी तो बहुत सारी डेफिनेशन है। अच्छा, म्यूजिक में इसकी डेफिनेशन अलग है, मेडिसिन में इसकी अलग है, फिजिक्स में अलग है और केमिस्ट्री में अलग है। रेजोल्यूशन की बहुत सारी वो है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ स्क्रीन रेजोल्यूशन डेफिनेशन। द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्चर, ये तो पता ही है। असल में इसने वो बात नहीं बताई डेफिनेशन में जो मैं सुनना चाह रहा था इससे। खैर, तो जब भी आप जाते हैं ना कंप्यूटर डिवाइसेस खरीदने के लिए, तो आपको ना वहाँ पे उन्होंने बताया होता है कि स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है। अच्छा, क्या होती है स्क्रीन की रेजोल्यूशन? आमतौर पर हम ओपन कर लेते हैं कोई स्पेसिफिकेशन, मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया कि यार आईफोन स्पेक्स, सही है, GSM अरीना,
ये मैंने कोई खोल लिया, ठीक है, 13 प्रो मैक्स करके सामने ही आ गया, उसको मैंने ओपन कर लिया। इसकी डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर आप देखें तो यहां पे इन्होंने रेजोल्यूशन बताया हुआ इस लाइन में, ठीक है। अब रेजोल्यूशन में ना दो चीजें, एक तो है पिक्सल कि इस मोबाइल फोन की स्क्रीन में पिक्सल कितने हैं, वो है 1284 यानी 1200x2700, ठीक है, 1200 ऐसे और ऐसे 2700, ये इसके जो है क्या है पिक्सल्स हैं, इतने पिक्सल से मिलकर ये स्क्रीन बनी है। अच्छा, और रेजोल्यूशन क्या है इसका, 458 पिक्सल पर इंच, यानी जो भी टोटल स्क्रीन का साइज बनता है तो एक इंच में इसके तकरीबन 450 पिक्सल एक इंच में इसके आते हैं। अच्छा, तो अगर ये बता दिया जाए, ये बता दिया जाए, बात एक ही है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के असल में, अगर ये पता चल जाए तो वो निकल सकता है, वो पता चल जाए तो ये निकल सकता है, दोनों एक दूसरे से निकल सकते हैं। खैर, तो ये इसका जो है स्क्रीन का साइज है या रेजोल्यूशन कह सकते हैं उसको। अब इसका इमेज से क्या ताल्लुक है भाई, इसका इमेज से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आम तौर पे अब जैसे मैंने तो जो मोबाइल फ़ोन अभी खोला था आईफोन 13, वो बहुत ही हाई एंड डिवाइस है और उसके अंदर रेजोल्यूशन उसका 450 पिक्सल है, लेकिन आम तौर पे जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे ये मॉनिटर रखा हुआ है जो, ठीक है, आम तौर पे जो कंप्यूटर के LCD आप ख़रीदते हैं 14 इंच की, 15 इंच की या 30-32 इंच की, जो आमतौर पर इस्तेमाल होती है ऑफिस में और घरेलू इस्तेमाल में, उनमें जो रेजोल्यूशन होता है ना, वो तो स्क्रीन एक होता है साइज के पिक्सल कितना है उसके अंदर, वो तो जितना भी हो, लेकिन रेजोल्यूशन 72 पिक्सल होता है उसका, PPI के एक इंच में 72 पिक्सल होते हैं आम तौर पे उसके अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो हमारे सामने रखा हुआ है, ये शायद 17 इंच की स्क्रीन है, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर खोलते हैं, इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1280 पिक्सल है, जो साइज़ है स्क्रीन का वो आ भी रहते हैं, जब आप ऑन करते हैं तो वो शो करता है कि 1280 पे चल रहा है। अच्छा, तो 1280 को मुझे डिवाइड करना होगा कितने पे, 17 इंच का, क्योंकि ये है तो डिवाइड कर दो 17, तो एक इंच में कितने आएंगे वो मुझे पता चल जाएगा, तो मैंने 17 पे डिवाइड कर दिया, कितने आ गए 75। तो असल में इस मॉनिटर की जो रेजोल्यूशन है ना वो 75 है। अच्छा, और ऐसा बिलीव किया जाता है कि अगर आप अपने पिक्चर की जो रेजोल्यूशन है ना वो 72 पे सेट करें तो वो स्क्रीन पे बिल्कुल सही दिखता है, आप 72 से बढ़ा भी देंगे ना तो उस क्वालिटी स्क्रीन पे वही रहेगी उसकी, ऐसा बिलीव किया जाता है, ठीक है, ऐसा लोगों का मानना है। तो करेक्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए, रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, 72 होना चाहिए। अब हम इसी चीज़ को आगे देखते हैं कि भाई आगे क्या बता रहा है ये, टूल्स टू एडिट एंड सेव इमेजेस। अब ये फोटोशॉप की बात कर रहा है, कह रहा भाई फोटोशॉप जो है वो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, अगर रिसाइज करना हो या कुछ उसके अंदर छेड़छाड़ करनी हो तो ये उसके लिए टूल्स मौजूद हैं, ऑनलाइन भी टूल्स मौजूद हैं, नीचे इसने जिक्र किया हुआ है photoshop.com, ऑनलाइन पूरा फोटोशॉप खुल जाता है, ठीक है। पिक्सल आर, स्प्लैश अप, ये सारे इसने बता दिए। अच्छा, एक इसने नाम जिक्र नहीं किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है फोटोपिया, ठीक है, फोटोपिया जो है वो भी एक ऑनलाइन फोटोशॉप की तरह ही है बिल्कुल, इसमें भी बहुत ईजिली इमेजेस को क्रॉप किया जा सकता है। मैं आमतौर पर इसी को यूज़ करता हूँ अगर मुझे किसी इमेज को क्रॉप करना है या कुछ करना है, मिसाल के तौर पर मेरे पास जो लोगो पड़ा हुआ था यहाँ पे अभी मेरी स्क्रीन पे, इसको मैं लेकर आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ला के मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ड्रॉप करूँगा, ये ओपन हो गया इसके ऊपर। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको अगर क्रॉप करना है तो इसमें क्रॉप का ऑप्शन है, ये मैंने क्रॉप का ऑप्शन दबा दिया और मैं इसको जितने पे चाहूँ मैं क्रॉप कर लूँ, ठीक है। क्रॉप का मतलब होता है कि इमेज में से काट के कोई पार्ट आपको अलग करना है, या अगर मुझे इसको रीसाइज करना है तो मैं क्या करूँगा, सेव एज करूँगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PNG, और यहाँ पे मुझे जो साइज़ का PNG एक्सपोर्ट करना है मैं करूँगा। मैंने कहा भाई 50 पिक्सल में मुझे चाहिए, सही है, सेव कर दिया मैंने, तो इसने क्या किया, डाउनलोड कर दिया मुझे। अब ये 50 पिक्सल की इमेज हो गई है जो इसने डाउनलोड की है। तो इस टूल के ज़रिए भी हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, तो वापस आ जाते हैं हम बुक में,
तो ये एक टूल है फोटोशॉप। अगर आपको नहीं आता है तो आप फोटोपिया टाइप की चीज़ जो फोटोशॉप से थोड़े कम लेवल की है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक पे अगर आप है तो मैक में मार्कअप के नाम से डिफ़ॉल्ट है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये बात हो गई। सबसे पहली बात अभी हो रही है कि राइट फॉर्मेट। तो फोटोशॉप के अंदर या इसके अंदर जो अभी मैंने एक्सपोर्ट किया है इसको, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हुए ना मुझसे देखें ये पूछ रहा है कि पीएनजी में करना है, जेपीजी में करना है, एसवीजी में करना है, भाई किस फॉर्मेट में करना है। फोटोशॉप भी आपसे पूछेगा, जब आप कोई ड्राइंग उसमें बना लेंगे, आप उसको सेव करवाने लगेंगे तो आपसे पूछेगा कि भाई कौन से फॉर्मेट में करवाना है, जेपीजी, पीएनजी। तो वो कैसे पता लगेगा, सबसे पहले आ जाते हैं इमेज फॉर्मेट जेपीजी। सबसे पहले कि जेपीजी इमेज जो किस तरह की होती है, ये आपको तीन एग्जांपल्स दिखाई गई है कि जेपीजी इमेज किस तरह की होती है। उसके बाद जिफ इमेजेस किस तरह की होती है, इस तरह की होती है जिफ इमेजेस। ठीक है, ये सारी जिफ इमेजेस हैं। अच्छा, तो इन दोनों को देख के हमें क्या फर्क समझ में आया। वेन एवर यू हैव मैनी डिफरेंट कलर्स इन अ पिक्चर यू शुड यूज अ जेपीजी फॉर्मेट। अच्छा, सिर्फ JPEG भी लिखते हैं और JPEG भी लिखते हैं, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। ठीक है, पीछे मेथोलॉजी दोनों की सेम है। अ फोटोग्राफ दैट फीचर स्नो और एन ओवरकास्ट स्काई माइट लुक, ये जो आपको दिख रहा है कि सूरज निकल रहा है, स्नो है, पीछे लकड़ी का ढेर पड़ा हुआ है, पीछे दरख्त हैं, इसके अंदर ना कलर्स बहुत ज़्यादा रिच कलर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट, हर पिक्सल का कलर दूसरे वाले से डिफरेंट है। जैसे ये धागे हैं यहाँ पे, डिफरेंट कलर्स हैं। तो आम तौर पे कैमरे से जो फोटो खींची जाती है, मोबाइल का हो या कोई सा भी कैमरा हो, वो आम तौर पे JPG फॉर्मेट में होती है। ठीक है, और JPG फॉर्मेट इस तरह की इमेजेस के लिए बेस्ट है जिसमें कलर्स बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, ये सारी JPG की वो है। ठीक है, देखो इसमें कितने सारे कलर्स हैं इस वाली इमेज में, तो JPG इसके लिए बेस्ट है। उसके बाद आप आ जाते हैं जिफ में। जिफ में आप नोट कीजिए कि कलर बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, प्लेन है, और लाइन ड्राइंग्स इसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, ये देखो कलर ज़्यादा नहीं है, कलर यानी बहुत बहुत सारे पिक्सल के कलर एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पे ये जो ब्लू और रेड और पिंक वाला जो सर्कल बना हुआ है, इसमें आप देखें रेड जो है वो इतने सारे पिक्सल बिल्कुल सेम कलर के हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम कलर हैं सारे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि यूज़ जिफ और PNG फॉर्मेट व्हेन सेविंग इमेजेस विद फ्यू कलर्स और लार्ज एरिया विद सेम कलर। तो आपको क्या करना है, PNG इस्तेमाल करना है या जिफ इस्तेमाल करना है। ठीक है, व्हेन अ पिक्चर हैज एन एरिया दैट इज फिल्ड विद एग्जैक्टली द सेम कलर इज नोन एज फ्लैट कलर्स। ये जो एक छोटी सी बच्ची बनी हुई है और उसने सर पे हाथ रखा हुआ है, ये फ्लैट कलर कहलाता है कि भाई बहुत सारा एरिया तो सेम कलर है, तो फ्लैट कलर इमेजेस हैं ये। लोगो आमतौर पर इसी तरह के होते हैं, जैसे ये WWF करके एक लोगो बना हुआ है, लोगो आमतौर पर इसी तरह के होते हैं। जब भी आपने नोट किया होगा लोगो जो है वो PNG और जिफ में ही होते हैं। इलस्ट्रेशंस जो हैं, ये डायग्राम्स हैं। ठीक है, ये ऊपर जो बना हुआ है ये डायग्राम बना हुआ है, किसी चीज़ को इलस्ट्रेट किया हुआ है डायग्राम के जरिए। ऑफन यूज फ्लैट कलर्स, नोटिस द फोटोग्राफ ऑफ स्नो स्काई और ग्रास इज नॉट फ्लैट कलर, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सबटली डिफरेंट शेड्स of the same color and are not as suited for GIF or PNG. अच्छा, PNG में और GIF में एक benefit और भी है कि इसमें transparent background supported होता है। ठीक है, JPG में transparent background supported नहीं होता है, तो ये भी एक वजह है कि लोगो आमतौर पर JPG में नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि JPG में transparent background नहीं होता। अब image के dimension की बात हो रही है, सबसे पहली बात कौन सी हो गई, राइट फॉर्मेट। तो फॉर्मेट आपको पता चल गया, मेन जो है ना, मेन डिस्ट्रीब्यूशन वो दो ही है, एक JPG वाला है और एक PNG और जिफ वाला है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मेन तो आपको पता चल गई। अब फिर जिफ के अंदर ना मजीद भी हैं, और एक TIFF करके भी होता है, एक वेब पी करके भी होता है, वो सारे यही वाले ही हैं सब। अच्छा, सेव द राइट साइज पे अब आ जाते हैं हम, नंबर सेकंड। ठीक है, ये आपकी इमेज की डायमेंशन हो गई। द इमेज यू यूज ऑन योर वेबसाइट शुड बी सेव्ड एट द सेम विड्थ एंड हाइट दैट यू वॉन्ट देम टू अपेयर ऑन द पेज। कह रहे हैं भाई जितने विड्थ हाइट का अपेयर करना चाहते हैं ना, उतने ही का ही होना चाहिए, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बात।
कह रहे हैं अगर इमेज बड़ा है ना आपके पास तो उसको छोटा करने का दो तीन तरीके हैं आपके पास। नंबर एक तो तरीका ये है कि क्रॉप कर लें उसको हम। क्रॉप करने का मतलब होता है कि इमेज में से हम कुछ हिस्से को काट के अलग कर लें। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि भाई यानी ये तरीके हो सकते हैं, रिड्यूस द इमेज साइज, इंक्रीज द इमेज साइज एंड चेंजिंग द शेप। क्रॉप करने में आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई आपकी डिटेल मिस ना हो गए। मिसाल के तौर पे गिटहब का जो लोगो अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, इसको क्या मैं क्रॉप कर सकता हूँ? इसको मैं क्रॉप नहीं कर सकता, क्योंकि क्रॉप करूँगा इसकी डिटेल मिस हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि कुछ केसेस में आप क्रॉप नहीं कर सकते, आप उसकी डिटेल मिस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, जैसे ये पोर्ट्रेट इमेज है और एक लैंडस्केप इमेज है। पोर्ट्रेट कैसे कहते हैं, जैसे खड़े साइज़ में इमेज होती है, और लैंडस्केप ऐसे वाले वर्ड होते हैं। तो असल में इन्होंने चक्कर क्या किया हुआ है, जो पोर्ट्रेट इमेज थी उसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। किसके ज़रिए? क्रॉप के ज़रिए। क्रॉप करना चाहा है उसको, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरे में क्या किया हुआ है, एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर दिया है कि भाई लैंडस्केप में होगी, बीच में इमेज है, साइड में खाली खाली जगह है। कह रहा है यार ये भी सही नहीं है तरीका ना, ये जो सही और गलत तरीके यहाँ पे इसको आपको बता दिए। अच्छा, एक बात यहाँ पे और बता रहा है, कह रहे हैं आप ना इमेज को सिर्फ छोटा कर सकते हैं, बड़ा नहीं कर सकते आप। बड़ा करेंगे ब्लर हो जाएगी इमेज। मिसाल के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लोगो डाउनलोड किया, उसका जब साइज़ डाउनलोड के वक्त क्या था, 512x512, मैंने उसको रीसाइज़ करके छोटा कर लिया, 300 पिक्सल का कर लिया, फिर मैंने बाद में 100 पिक्सल का कर लिया। तो बड़ी इमेज को मैं छोटा तो कर सकता हूँ, लेकिन छोटी इमेज को मैं बड़ा नहीं कर सकता, वो ब्लर हो जाएगी। ठीक है, जब मैंने 100 पिक्सल का एक बार कर दिया ना उसको, तो मैं वापस 500 का नहीं कर सकता, वरना वो क्या होगी, इमेज ब्लर हो जाएगी। तो ये बात भी यहाँ पे मेंशन की है इसने। और तीसरा जो इसने बताया, चेंजिंग शेप, कि आप ना शेप को चेंज नहीं कर सकते। अगर वो लैंडस्केप है तो वो लैंडस्केप ही रहेगी, पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट ही रहेगी। आप ये करें, अगर आपको चेंज करना है तो आप दूसरी फोटो खींच ले जाइए। ठीक है, अदरवाइज अगर आप उसको क्रॉप करते हैं तो उसकी डिटेल मिस हो सकती है। अच्छा, ये क्रॉप हो गया। अब रेजोल्यूशन की बात आ गई। रेजोल्यूशन में देखिए, इसने ना जूम इन करके बताया है कि एक इमेज असल में पिक्सल से बनी हुई होती है। मैं भी अगर कोई इमेज ओपन करता हूँ, मेरे पास जो ये इमेज अभी खुली हुई थी ना वी एस कोड में, कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और उसको अगर हम जूम करके जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो असल में पिक्सल से बनी हुई इमेज है। मैंने इसको कहा भाई डाउनलोड सेव इमेज, सॉरी इसको मैं यहीं पे ना ओपन इमेज न्यू टैब कर लेता हूँ ताकि मुझे सेव ना करना पड़े। ये एक इमेज आ गई। अब इसको मैं जूम इन करता हूँ, इसको मैं जैसे जैसे जूम इन करता जाऊँगा आप देखें इसमें चकोर चकोर ना पिक्सल आपको नज़र आते जाएंगे। ठीक है, चकोर चकोर पिक्सल आपको दिखते जा रहे हैं कि यार असल में ये इमेज किससे बनी हुई है, ये चकोर चकोर से पिक्सल्स हैं उससे ये इमेज बनी हुई है। इसमें तो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, शायद ब्राउज़र ने कुछ इस पर लगाया हुआ है जिसकी वजह से वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो पा रहा। इस जगह पे से जूम करते हैं उसको। जहाँ पे ज़्यादा कलर्स होंगे ना वहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट पता चलेगा। अच्छा, ये तो मैक्सिमम जूम हो गया। नोट करें, आपको यहाँ पे चकोर चकोर पिक्सल फील होने चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है प्रोजेक्टर पे आपको ये शायद उस तरह से ना दिख रहा हो, लेकिन आप ये घर जाके ना ये चीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा कि किसी भी इमेज को आप जूम करके देखेंगे तो आप जब एक सर्टेन लेवल तक जूम कर लेंगे तो आपको उसमें चकोर चकोर पिक्सल नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इससे पता ये चला कि इमेजेस जो असल में बनी हुई होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, वो पिक्सल से बनी हुई होती हैं। सही है, और हर एक पिक्सल जो होता है उसका कोई ना कोई कलर होता है, और जब इतने सारे पिक्सल हमें एक साथ दिखते हैं तो हमें लगता है कि यार वो इमेज कंस्ट्रक्ट हुई भी ऐसे नज़र आ रही होती है। अच्छा, अब इमेज के अंदर ना दो चीज़ होगी उसके साइज़ के अंदर, एक होगा उसके पिक्सल का साइज़ कि उसमें कितने पिक्सल हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने तो थोड़ी देर पहले की थी 512x512, ये इमेज का साइज़ था कि ऐसे उसमें 512 पिक्सल है, ऐसे उसमें 512 पिक्सल है। दूसरा होता है उसकी रेजोल्यूशन। इमेज में ना ये दो चीज़ें होती हैं। आमतौर पे जब आप राइट क्लिक करके देखते हैं आपको वो साइज़ दिखा देते हैं, रेजोल्यूशन आपको वो नहीं दिखाता है। रेजोल्यूशन आपको वो आमतौर पर नज़र नहीं आ रहा होता सामने, वो भी हम देख लेते हैं कि रेजोल्यूशन को असल में फिर देखा कैसे जाए जब सामने नज़र नहीं आ रहा हो तो। अच्छा,
तो आपको जब वेबसाइट में इमेज लगानी है ना, तो 72 पिक्सल अगर आपने उसकी रेजोल्यूशन को सेट किया हुआ है तो वो गुड इनफ है। ज़्यादा रखेंगे तो सही है, लेकिन ज़्यादा रखने से क्या होता है, रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी इमेज का साइज़ भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमने इमेज अपने फोटोपिया में लगाई हुई थी, इसको हम जब एक्सपोर्ट करेंगे ना, मैंने कहा जेबीजी में जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, अच्छा यहाँ पे भी मुझे ना वो नहीं दिखा रहा, ये रेजोल्यूशन नहीं दिखा रहा, मुझे क्वालिटी करके दिखा रहा है। कोई एडवांस ऑप्शन ओपन करता हूँ जहाँ पे मुझे ये रेजोल्यूशन भी दिखाया, एक्सपोर्ट एज मोर, फोटोशॉप असल में मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, मुझे शायद इंस्टॉल करना पड़ेगा फोटोशॉप को। खैर जब भी मैंने जो फोटो खोली हुई थी ना, इसको ज़रा मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास। ओपन इमेज इन न्यू टैब किया मैंने, और ओपन इमेज इन न्यू टैब करने के बाद इसको मैं यहाँ लेकर आता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, मैंने ला के इसको छोड़ दिया। आया कि नहीं आया, इधर ही नहीं आया यार, क्या हो रहा है, अच्छा आ गया, चलिए डबल डबल आ गया। इसमें मैंने गेट इन्फो पे क्लिक किया, गेट इन्फो पे क्लिक करने के बाद अच्छा आप नोट करें, मुझे डायमेंशंस तो ये बता रहा है लेकिन मुझे ये इसकी रेजोल्यूशन नहीं बता रहा, ठीक है। रेजोल्यूशन आमतौर पे आपको इस जगह पे नज़र नहीं आएगी, रेजोल्यूशन को देखने के लिए आपको इसको फोटोशॉप पे ही ओपन करना पड़ेगा, और फोटोशॉप पे ही जब आप सेव करते हैं तो उस वक्त आपको ये इसकी रेजोल्यूशन दिखा रहा होता है। तो मैं इसको फोटोपिया पे ना ओपन करने की कोशिश करता हूँ, न्यू फोटोपिया पे मैं ज़रा इसको ओपन करता हूँ। और यहाँ से जब मैं इसको जो भी एडिटिंग करनी होगी इसमें, वो करने के बाद जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा ना, तो मुझे यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन दिखनी चाहिए। अच्छा ये रेजोल्यूशन को ना इन्होंने चेंज कर दिया है, रेजोल्यूशन को इन्होंने क्वालिटी का नाम दे दिया है, ठीक है। और आप नोट करें कि जैसे मैं क्वालिटी को बढ़ा रहा हूँ ना, तो ये इमेज स्मूथ हो जा रही है, और नीचे इसका साइज़ भी बता रहे हैं यहाँ पे ये कि 262 KB की ये इमेज बनेगी अगर मैं इस क्वालिटी में करूँगा तो। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ ना, 50% क्वालिटी पे मैंने इसको रखा, तो इमेज का साइज़ फ़ौरन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, 27 KB पे चला गया, ठीक है। पहले कितना था, 200-250 KB तकरीबन, 50% पे करते ही 29 KB हो गया, आधा हो गया। अच्छा और छोटा किया मैंने उसको, 38, 35, 30, अच्छा 30 से नीचे जब मैं ला रहा हूँ तो इमेज की ना क्वालिटी को अब असर पड़ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब इमेज की क्वालिटी ख़राब होना शुरू हो गई इस पॉइंट पे आके, ठीक है, बिल्कुल ही ख़राब हो गई। तो अब मुझे इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे क्या हो, इमेज की क्वालिटी भी ख़राब ना हो, साइज़ भी उसका मेरे मतलब के मुताबिक हो। अच्छा लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया पहले कि 72 पिक्सल की जो डेंसिटी है या 72 पिक्सल जो रेजोल्यूशन है वो गुड इनफ है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में शो नहीं कर रहा है कि वो कितने पिक्सल असल में लगा रहा है, क्वालिटी का नाम दे दिया उसको। तो बेहतर ये है कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करें जिसमें वो रेजोल्यूशन एग्जैक्टली आप बता सकें कि 72 पिक्सल हो, ठीक है। अच्छा photoshop.com करके इन्होंने बताया हुआ है, ज़रा ओपन करके देखते हैं photoshop.com कि ये हमें डायरेक्टली करने दे रहा है एक्सेस या कोई अकाउंट वगैरह मांग रहा है हमसे। इन्होंने photoshop.com बताया हुआ था ना, यहाँ पे क्या बताया हुआ था, असल में ये बुक जो है ना थोड़ी सी पुरानी है, तो इसने जो चीज़ें बताई हुई है ना वो चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं, नहीं ये जो है ना ऑनलाइन नहीं करने दे रहा हूं। अगर मैं साइन इन कर लूँ इसमें तो करने देगा, लॉग इन विद गूगल और गूगल का अकाउंट चूज़ कर लिया मैंने,
नहीं है भाई, ऑनलाइन वाला कोई ऑप्शन नहीं है इसका। सॉरी, हाँ ये पेड़ है। अच्छा, तो हमने ये रेजोल्यूशन के बारे में गुड इनफ डिस्कशन कर ली है। अच्छा, आम तौर पे होगा क्या, ये बात समझने की हद तक तो चलो समझ में आ गई। आम तौर पे होगा ये कि ये इमेजेस और ये चीज़ें ना आपको बना के मिलती हैं सामने से पहले से, ठीक है। एक वेबसाइट का जो डेवलपर होता है उसका काम इमेजेस सेलेक्ट करना नहीं होता, उसका काम इमेजेस को साइज़ वगैरह करना उसका काम नहीं होता, सही में ये काम होता है डिज़ाइनर का। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि भाई अगर आपको कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला है तो उसमें डिज़ाइनर भी आप होते हैं, डेवलपर भी आप होते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है। और आम तौर पे जो फर्म्स होती हैं, अगर कल को आप इंशाल्लाह अपनी कंपनी खोलेंगे तो अब जो कंपनी का ऑनर होता है ना उसको पता होना चाहिए कि डिज़ाइनर का क्या काम है और वो सही तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा, और डेवलपर का क्या काम है और वो सही तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें आपको इसलिए पता होना ज़रूरी है कि ये डिज़ाइनर एंड की चीज़ें, डिज़ाइनर का काम है कि कितने पिक्सल की रेजोल्यूशन होनी चाहिए, कितने पिक्सल का साइज़ होना चाहिए। लेकिन ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि आप अगर फर्म के ऑनर हैं तो, या इवन आप डेवलपर भी हैं, अगर डिज़ाइनर ने कुछ काम गलत करके दिया है तो आप उसको एटलीस्ट पलट के बता सकें कि ये भाई आपने गलत करा है। चलो, तो हमने फॉर्मेट्स पढ़ लिए, हमने उसके डायमेंशंस पढ़ लिए, क्रॉप करना सीख लिया, इमेज के रेजोल्यूशन की बात कर ली। अच्छा, बाय द वे, स्क्रीन पे हमें चाहिए होता है 72 पिक्सल की रेजोल्यूशन, प्रिंट में कितना चाहिए होता है, 300 पिक्सल चाहिए होता है, ठीक है। जो प्रिंट जितने भी होते हैं, जितने भी प्रिंटर आपके हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर्स जो होते हैं, पैनाफ्लेक्स छपता है जिसपे, उनमें आमतौर पे 300 पिक्सल अगर डेंसिटी हो तो वो सही चलता है, ठीक है। उससे ज़्यादा वाले भी मार्केट में मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा वाले भी मौजूद हैं, लेकिन 300 पिक्सल एटलीस्ट अगर हो तो आपको वो सही दिखेगा। जितनी भी बच्चों की बुक्स वगैरह छपी हुई होती हैं, आमतौर पर जो मैगजीन्स छपी हुई होती हैं वो इसी रेजोल्यूशन पर होती है, 300 PPI में। साइज़ बढ़ेगा, जी जी, प्रिंट साइज़ बढ़ाने से नुकसान, बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। साइज़ बढ़ाने से नुकसान ये होगा कि आप जब वेबसाइट ओपन करते हैं ना तो एक एक इमेज लोड होती है। आपने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल देखी थी जिसमें मैंने स्लो 3G करके सिमुलेशन की थी, तो आपने नोट किया कि इमेज बाद में लोड हो रही थी, टेक्स्ट पहले लोड हो जा रहा था। तो जाहिर है इमेज का कुछ ना कुछ साइज़ होता है, वो इंटरनेट से डाउनलोड होती है, तो इमेज का साइज़ जितना कम होगा वो उतनी जल्दी लोड होगी, ठीक है। तो इस वजह से हम साइज़ पे थोड़ी सी तवज्जो रखते हैं कि साइज़ थोड़ा कम हो, लेकिन इतना कम ना हो कि क्वालिटी ख़राब हो जाए। तो 72 पिक्सल गुड इनफ, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा रखना चाहें आप रख सकते हैं, कुछ केसेस में ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है, लेकिन 72 पिक्सल जो है वो स्टैंडर्ड है। वेक्टर इमेजेस, जी हम HTML के इमेज में ना उसका साइज़ बता रहे हैं कि हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, ठीक है। रेजोल्यूशन हम बता नहीं रहे, रेजोल्यूशन इमेज की अपनी रहेगी। अच्छा, वेक्टर इमेजेस, ये वेक्टर इमेजेस क्या चीज़ हैं, कोई बता सकता है, किसी को पहले से पता है? जूम करने से फटता नहीं है जी। और कोई बताना चाहेगा? ज्योमेट्री में सेव हुई भी होती है बैकग्राउंड में, जी दोस्त कुछ कहना चाह रहे हैं? और भी कोई? ये ब्रेन स्ट्रोमिंग है, ये सिर्फ ये देखना चाहता हूँ मैं कि यार जो पहले से जिसको पता है तो वो निकल के सामने आए, क्योंकि क्लास में सिर्फ अगर मैं बोलता रहूँगा ना तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए, थोड़ी सी आपसे भी बात होती रहे। अच्छा, तो यार एक तो इमेज होती है जो JPG वाली हमने बात कर ली, JPG इमेज जो होती है वो बिट मैप होती है, ठीक है। बिट मैप इमेज उसको कहते हैं कि छोटे 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 दानों से मिलके वो बनी हुई है, छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बनी हुई है। अच्छा, वो इमेज बैकग्राउंड में सेव कैसे हुई भी होती है? हर पिक्सल के अगेंस्ट 3 नंबर होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। हर पिक्सल में कितना रेड, कितना ब्लू और कितना ग्रीन है ये होता है, तो वो 3-3 नंबर के ना बहुत सारी एक लिस्ट होती है लंबी, उस तरह वो सेव हुआ हुआ होता है। अच्छा, उस तरह की इमेज को हम कहते हैं रास्टर इमेजेस, RASTER, रास्टर या रास्टर को जो भी प्रोनाउंस कर लें, तो वो रास्टर इमेजेस होती हैं और वो साइज़ में निस्बतन बड़ी होती हैं। अच्छा, उस इमेज में ये होता है कि अगर आप उसको जूम इन करेंगे ना तो पिक्सल आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। उसको ज़्यादा जूम इन आप नहीं कर सकते, या मिसाल के तौर पर स्केल नहीं कर सकते आप उसके साइज़ को, ठीक है ना। उसके साइज़ को अगर आप स्केल करेंगे, यानी आप एक छोटे से नॉर्मल से कैमरे से अगर आप खींचेंगे
पिक्चर और उसको आप 10 मंजिला बिल्डिंग जितना प्रिंट निकालना चाहेंगे तो नहीं निकल सकता वो, ठीक है, क्योंकि इस कैमरे की रेजोल्यूशन ही कम है, थोड़ी सी है। तो जब वो बड़ा करेंगे ना उसको 10 मंजिले जितना प्रिंट निकालेंगे तो उसमें पिक्सल्स आपको नज़र आ रहे होंगे चकोर चकोर। ऑन अदर हैंड जो वेक्टर इमेजेस हैं उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं पीछे बैकग्राउंड में, उसमें पिक्सल्स नहीं होते, एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छा, कैसे ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ज़रा सा इस पर आप गौर करें, ये जो आपके सामने पिक्चर बनी हुई है तो आपको समझ आ जाएगा कि एक सर्कल बना हुआ है ना, जो उसके कान जो बना हुआ है सर्कल है, उस सर्कल का कितने डिग्री पे और कितने रेडियस पे वो सर्कल बना हुआ है ना, वो बात सेम है पीछे, ठीक है। अच्छा, और उस सर्कल के अंदर कलर क्या फील है वो सेम है। आप नोट करें कितना छोटा साइज होगा इसका, उस वाली इमेज से कितना छोटा होगा इसका साइज, क्योंकि उस इमेज में अगर 1000 पिक्सल की इमेज है तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 3000 अलग अलग डेसिमल नंबर्स हैं जो उसमें सेव है। इसमें ऑन अदर हैंड सिर्फ दो चीज़ें सेव हैं, एक तो ये कि जो सर्कल बना हुआ है उसका रेडियस क्या है, उसका एंगल क्या है, और उसमें कलर कौन सा फिल हुआ है। अच्छा, तो जितने आर्क आप इसमें लगाते जाएंगे उतना पीछे डेटा बढ़ता चला जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि सर्कल का चूंकि एंगल लिखा हुआ है और रेडियस लिखा हुआ है, उसमें कलर क्या फील है वो लिखा हुआ है, तो आप इसको जितना भी बड़ा कर दें वो एंगल तो चेंज नहीं होगा, तो आप इसका चाहे 10 मंजिलें जितना भी प्रिंट निकालें ये बिल्कुल ऐसी तरह निकलेगा जैसा छोटे में निकल रहा है। तो इस तरह की इमेजेस को हम कहते हैं वेक्टर इमेजेस। आमतौर पर कंपनीज का जो लोगो बना हुआ होता है वो इसी फॉर्मेट में बना हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि लोगो जो है वो छोटे से लेके और बड़े से बड़े प्रिंट उसका निकालना पड़ सकता है लोगों का। तो कंपनी जितनी भी कंपनीज हैं जो लोगो बनवाती हैं अपना वो वेक्टर में बनाती हैं। अच्छा, वेक्टर के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जिसमें वेक्टर बन सकता है? फोटोशॉप जो मैंने जिक्र किया और फोटोपिया जो जिक्र किया, ये वेक्टर को हैंडल नहीं कर सकते, ये बने हुए हैं रास्टर इमेजेस के लिए या रास्टर इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वेक्टर इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो कौन से हैं? इलस्ट्रेटर है, कॉरल ड्रॉ है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो एक दो नाम है जो मशहूर हैं। तो वेक्टर पे जो बनी हुई इमेजेस हैं, अच्छा वो जब बनती है ना तो उसका फॉर्मेट होता है AI .AI इलस्ट्रेटर के नाम से, लेकिन जाहिर है AI का जो फॉर्मेट है वो डायरेक्टली वेबसाइट पे नहीं लग सकता। तो उस तरह की जो इमेज है उसको जब हम एक्सपोर्ट करते हैं वेबसाइट पे लगाने के लिए, या तो वो PNG होगी या तो वो GIF होगी, ठीक है, ये दो फॉर्मेट्स हैं। तो ये दो फॉर्मेट दोनों वेक्टर फॉर्मेट है और वेबसाइट पे डायरेक्टली लग सकते हैं। JPG को वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ इसको रास्टर में कर सकते हैं। अच्छा, JPG को भी वेक्टर में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है? वो होता है ट्रेसिंग। वो ट्रेसिंग ये होता है कि वो आप ना उसको ओपन कर लेते हैं किसी भी वेक्टर इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे ओपन करके, और जहाँ जहाँ पे जो जो पिक्सल होते हैं ना आप उसको हाथ से वो कलर भरते चले जाते हैं, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं ट्रेसिंग। ये जितनी भी टेक्सटाइल की कंपनी है इसमें बाकायदा ट्रेसिंग के लिए उन्होंने बंदे रखे हुए होते हैं, वो उनका काम ही यही होता है, पूरे पूरे दिन वो ट्रेसिंग कर रहे होते हैं बैठ के ना इलस्ट्रेटर पे और कॉरल ड्रॉ वाले टाइप के सॉफ्टवेयर पे। मिसाल के तौर पे जैसे बोनैंजा ने कोई अब डिज़ाइन बनाया तो अब वो टेक्सटाइल मिले वो चाहती है मैं सेम ऐसा ही डिज़ाइन मुझे भी मिल जाए, तो वो क्या करते हैं उस इमेज फ़ोटो लेके उसकी और उसको कंप्यूटर पे लगा के उसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब तक वो वेक्टर में कन्वर्ट नहीं होगी वो उस तरह से प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि एक जो डिज़ाइन है मिसाल के दुपट्टे में जो डिज़ाइन चल रहा है वो दुपट्टे का तो इतनी सी फ़ोटो है ना, लेकिन वो डिज़ाइन कितना चाहिए, वो 2000 गज का एक पीस होता है पूरा, वो पूरे पे सेम डिज़ाइन चाहिए, तो उसको उस तरह से रेप्लीकेट नहीं कर सकते जो रेस्टोरेंट में जिस तरह से हो सकता है। खैर, तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं ये इमेजेस, रास्टर को वेक्टर में और वेक्टर को रास्टर में लाया जा सकता है, लेकिन सिंपल नहीं है इतना। एनिमेटेड जिफ, अच्छा एक तो होती है नॉर्मल JPG इमेज, एक होती है जिफ और PNG स्टिल, एक होती है एनिमेटेड। जिफ के अंदर ये ऑप्शन होता है कि उसमें एक पिक्चर एनिमेटेड हो सकती है। आपके सामने टोटल ना 8 स्लाइड्स दिख रही हैं, इस तरह की भी जिफ मौजूद होती है जो एनिमेटेड होती है, तो ये 8 अलग अलग असल में इमेजेस होती हैं और वो शिफ्ट हो रही होती है, इस तरह से एनिमेट हो रही होती है, एनिमेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हम गूगल पे जाके लिखेंगे ना एनिमेशन तो हमें नज़र आ जाएगा।
लोडर एनिमेशन मैंने कह दिया और जिफ लिख दिया साथ में, ठीक है, इमेज में गया मैं, ये देखो जिफ जिफ लिखा आ रहा है हर इमेज पे। तो ये जिफ इमेज जो है असल में ये मूव कर रही होती है, ये मूव होने वाली इमेजेस को हम कहते हैं जिफ। अच्छा लेकिन यहाँ पे मूव होके दिख नहीं रहा है। अच्छा ये दिख रहा है, ये जो इमेज आपको मूव होती हुई दिख रही है ना, ये असल में इमेज मूव हो नहीं रही है, ये 8-10 इमेजेस अलग अलग हैं, ये मर्ज हुई हैं और ये स्लाइडें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की होती है ये डायरेक्टली, इसको भी वेबसाइट पे लगाया जा सकता है। आमतौर पे जब वेबसाइट पे आपको लोडर वगैरह दिख रहे होते हैं वो यही इमेज होती है, जिफ इमेजेस। अच्छा उसके अलावा जो CSS3 है, जो नई वाली CSS है जो हम HTML के बाद पढ़ेंगे, उसमें भी एनिमेशन लगाने के बहुत सारे तरीके इंट्रोड्यूस करवा दिए गए नए वाले, तो उसके ज़रिए भी एनिमेशन हो सकती है और इसके ज़रिए भी हो सकती है। अच्छा तो ये पीछे इस तरह से चल रहा होता है कि अच्छा ये भी बनता किस पे है, ये भी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर में जिफ इमेजेस बना सकते हैं। वो जिफ इमेजेस बनती कैसे असल में वो यहाँ पे हम कवर नहीं कर रहे, लेकिन जिफ इमेजेस के पीछे क्या होते हैं, 8-10 या 12 या 15-20 स्लाइडें होती हैं जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही होती है, तो आपको लगता है इमेजेस वो इमेज वो मूव कर रही है, लेकिन वो असल में इमेज मूव नहीं कर रही होती। अच्छा ट्रांसपेरेंसी, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि जिफ में और पीएनजी में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वाले जो सारे ऑप्शन है ना, ये जिफ में हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर ड्रॉप शेडो, सेमी ओपैक। सेमी ओपैक का मतलब ये होता है कि आधा, ओपैक का मतलब ऐसी चीज जिसके आर पार ना दिखे। तो ये जो सरफेस है ना, ये कम्प्लीटली ओपैक है, ये जो मॉनिटर है इसके आर पार नहीं दिख रहा मुझे, ये ओपैक है। लेकिन जो ग्लास का डोर लगा हुआ है आपके पीछे, ये ओपैक नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ हिस्सा लेकिन सेमी ओपैक है, उसके थोड़ा आर पार दिख रहा है, मतलब पीछे से लाइट आ रही है लेकिन एग्जैक्टली दिख नहीं रहा। तो इस गेट में सेमी ओपैक और ट्रांसपेरेंट दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा तो इस इमेज के अंदर भी आप देखें ये क्या है, ये सेमी ओपैक है, थोड़ा दिख भी रहा है थोड़ा नहीं भी दिख रहा। अच्छा फिर राउंडेड कॉर्नर्स अगर आप लगाते हैं, तो जाहिर है राउंडेड कॉर्नर जब भी पॉसिबल होंगे जब बैकग्राउंड क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि राउंडेड कॉर्नर तो इमेज में एग्जिस्ट नहीं करता भाई। 1000 पिक्सल की अगर इमेज है तो राउंडेड कॉर्नर तो हो ही नहीं सकते। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ना इसके अंदर अवेलेबल होता है, किसके अंदर, जिफ में और पीएनजी में, इन दो फॉर्मेट्स में, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको अगर ऐसी इमेज, मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई भी लोगो लिखता हूँ जाके गूगल पे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे लोगो और पीएनजी, ठीक है, तो आप देखें इन इमेजेस का जो बैकग्राउंड है ना वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट इसका तो नहीं है खैर, ये देखें आप, इसका ना बैकग्राउंड नहीं है, दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट है। अच्छा कुछ इसमें और भी आए हुए हैं इमेज, उसका असल में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है नहीं, वो आ रही है सर्च में किसी भी वजह से, इसका बैकग्राउंड देखें ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये फेक किया हुआ है, जो भी वेबसाइट है उन्होंने शायद इस तरह का कुछ किया हुआ है। इसका जो बैकग्राउंड है, ये इमेज हमेशा स्क्वायर होगी, इमेज में स्क्वायर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जिफ में और पीएनजी में क्या होता है कि कुछ पिक्सल्स को आप ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, अब वो पिक्सल उस पिक्सल को राउंडेड कॉर्नर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पूरा बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं आप उससे। तो जिफ में और पीएनजी में ये फीचर मौजूद है, जेपीजी में ये काम आप नहीं कर सकते, जेपीजी में बैकग्राउंड वाइट हो सकता है लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। अच्छा जी, अच्छा अभी इन्होंने यहाँ पे एक बात बताई है कि HTML5 में ना फिगर और कैप्शन वाली एक चीज़ है, तो अब नई जो तरीका है उसमें इमेज को इस तरह लगाया जाता है कि फिगर का एक टैग ओपन हो रहा है और फिगर का टैग क्लोज हो रहा है, उसमें एक इमेज है जैसे होती है उसी तरह है, उसके बाद कैप्शन, जो फिगर कैप्शन करके एक टैग है, ये HTML5 में नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो इन्होंने कहा भाई रेकमेंडेड अब ये वाला तरीका। जी दोस्त, वेबसाइट बनाई है आपने, और मैं देख लूँ। अच्छा तो मैं क्लास के बाद ये ख़त्म करके ना फिर आपके पास मैं आता हूँ, आपकी वेबसाइट देखता हूँ। आपने शुरू में क्यों नहीं दिखाया जब मैं सब लोगों की देख रहा था,
अच्छा उस वक्त वो कंप्लीट नहीं थी? अच्छा अभी अभी कंप्लीट हुई है आपसे? अच्छा लेकिन अभी आप वहाँ पे तवज्जो ना दें, अभी आप यहाँ तवज्जो दें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जब क्लास में मैं बोलूँ ना प्रैक्टिस करने, तो उस वक्त प्रैक्टिस किया कीजिए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा कीजिए उस वक्त, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया, और ये वेबसाइट तो माशाल्लाह से आप लोग लगा बना ही चुके हैं, इसके इक्विवेलेंट के यही। अच्छा ये इसके कोड लिखा हुआ है, इस कोड को भी चलाकर देख लीजिएगा, अगर किसी से भी अभी तक ये वेबसाइट नहीं बन पाई है तो ये कोड उसी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। समरी पढ़ते हैं जी इस चैप्टर की हम, कि समरी इन्होंने क्या बताई है। द इमेज एलिमेंट इज यूज टू एड इमेजेस टू अ वेब पेज, कह रहे आई एम जी करके लगाना पड़ेगा आपको, कभी भी वेबसाइट में अगर इमेज लगानी है तो आई एम जी करके लगेगा। यू मस्ट ऑलवेज स्पेसिफाई एस आर सी एट्रीब्यूट, यानी कि सोर्स, इंडिकेट द सोर्स ऑफ इमेज, आपको ये बताना पड़ेगा कि इमेज है कहाँ पे, या तो वो HTTP का URL होगा, कहीं रिमोट इमेज होगी रिमोट URL होगा, या तो कोई लोकल URL होगा कि स्लैश इमेजेस और स्लैश उसके बाद logo.png, और अल्ट करके भी बताना पड़ेगा, अल्टरनेट टेक्स्ट जो कि होता है, अगर इमेज किसी भी वजह से लोड नहीं हो पाई तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। यू शुड सेव इमेजेस एट द साइज यू विल बी यूजिंग दैम ऑन द वेब पेजेस। अच्छा ये मिला के देखो चार पांच जगह पे इन्होंने ये बात कह दी है, ठीक है? इससे पता चल रहा है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा इन्होंने ये बात कह दी है कि इमेज उसी साइज़ की होनी चाहिए जिस साइज़ की आप चाहते हैं कि वो नज़र आए, और इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का जिक्र हो चुका है, उनको इस्तेमाल करते हुए आप राइट साइज का बना सकते हैं उसको। फोटोग्राफ्स आर बेस्ट सेव एट JPG, जो कैमरे की फोटोज होती है उस तरह की जो फोटो है उसके लिए बेस्ट फॉर्मेट है JPG। इलस्ट्रेशंस लोगोज दैट यूजेस फ्लैट कलर्स आर बेटर सेव्ड इन GIF, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पर, लेकिन चैप्टर नंबर 6 शुरू करने से पहले इमेजेस से रिलेटेड अगर किसी का भी कोई सवाल है तो 5 मिनट है आपके पास, वो आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम ये नए वाले चैप्टर पे मूव करते हैं। जी भाइयों, अच्छा अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आपने पिछले चैप्टर में ना, जो पिछला पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, थोड़ा सा आज पढ़ा है, इन दो क्लासों में जो इमेजेस का पूरा हमने सारा कुछ पढ़ा है उसमें आपने क्या सीखा वो प्लीज़ अपने बराबर वाले से आप डिस्कस करें, 5 मिनट है आपके पास। सर आपने फिगर टेक का बताया था। हाँ फिगर कैप्शन, ये तो इन्होंने कोड लिखा हुआ है, बस ये आपको चला कर देखना है, इसका जो रिजल्ट होगा ना, इसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर वो भी बनाया हुआ है। इमेज के अगेंस्ट नहीं यूज़ होता है, इमेज तो उसी तरह है, देखें IMG अंदर सेम उसी तरह नज़र आ रहा है इसमें, अगर आपके पास बुक खुली भी है यहाँ पर तो इमेज का जो टैग है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट एक एडिशनल चीज़ लगी हुई है फिगर कैप्शन। हाँ ये यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है, इसको आप रीड करें, यहाँ पे जो साइड में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है पूरा कि ये क्यों यूज़ हो रहा है और ये कैसे यूज़ हो रहा है, तो प्लीज़ इसको पढ़ें आप।
अच्छा तो भाइयों हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है उसका नाम है टेबल्स। अब हाउ टू क्रिएट टेबल्स, व्हाट इंफॉर्मेशन सुइट्स बेस्ट फॉर टेबल, और हाउ टू रिपीट कॉम्प्लेक्स डेटा इन टेबल, ये तीन बातें इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। अच्छा तो टेबल क्या होती है भाई, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज अ टेबल। सॉरी, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। जी और कोई बताना चाहेगा कि टेबल, जब टेबल का वर्ड बोला जाता है तो आपके जहन में क्या चीज आती है, व्हाट इज अ टेबल? कॉलम्स आते हैं आपके जहन में, तरतीब से कोई चीज़ लिखी हुई हो, उस तरह की कोई चीज़ जहन में आती है। कॉम्बिनेशन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। अच्छा कभी आपने ये सोचा है कि टेबल बनाते ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस भाई? मतलब अगर कोई भी डेटा है, कोई भी बात है, तो मैं उसको रो कॉलम में लिख क्यों रहा हूँ? मैं बगैर रो कॉलम के भी तो लिख सकता हूँ ना, सीधा सीधा लिख दूँगा। पैटर्न क्रिएट होता है, नहीं मतलब वो पैटर्न क्यों क्रिएट करना है, मतलब उसका कोई अच्छा। तो अब यही बात का ना यहाँ पे अभी जवाब है कि टेबल है क्या। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी डिस्प्ले इन अ ग्रिड और अ टेबल। कह रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जिसमें हमें ज़रूरी होता है कि हम उसको ग्रिड में लिखें या टेबल में लिखें। अच्छा जैसा कि स्पोर्ट्स का रिजल्ट, सही है, स्पोर्ट्स का जो रिज़ल्ट है, मिसाल के तौर पे अगर 20-25 मैचेस हुए हैं अलग अलग, अब वो हर मैच में हर खिलाड़ी का वो डेटा लिखा हुआ है, तो अब ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ना इसमें बहुत सारे हैं, अगर मैं इसको ग्रिड में नहीं लिखूँगा तो इसको मैं रीड नहीं कर सकता, रीडेबल नहीं रहेगा ना ये। अगर मैंने इसको सीक्वेंस में तरतीब से नहीं लिखा, मिसाल के तौर पे एक डेटा ऐसा हो सकता है कि स्टॉक का, जैसे इसने जिक्र किया कि स्पोर्ट्स का रिजल्ट या स्टॉक की रिपोर्ट्स या ट्रेन की टाइम टेबल। अब ट्रेन की जो टाइम टेबल है या फ्लाइट का जो टाइम टेबल है, अगर किसी का इत्तेफाक हुआ ट्रेन पर सफ़र करने का या फ्लाइट पर सफ़र करने का, तो आप जब जाते हैं वहाँ पहुँचते हैं स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे एक चार्ट बना हुआ होता है बहुत लंबा सा। अच्छा उसमें क्या होता है, सबसे पहले फ़्लाइट का नंबर, उसके बाद वो फ़्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है वो बात लिखी भी होती है, उसके बाद लिखा हुआ होता है कि अराइवल क्या है इसका, कितने बजे ये यहाँ पर आएगी, और फिर उसका वो डिपार्चर लिखा होता है कि कितने बजे जाएगी, ठीक है। तो मतलब इस तरह करके उसमें कुछ डेटा आ रहा होता है। अब उसमें 20-25 फ्लाइट लाइन से आ रही है, अगर वो डेटा उस तरह से सीक्वेंस में नहीं होगा तो आप उसको पढ़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पे इस डेटा को इस तरह से भी लिखा जा सकता था कि जैसे फ्लाइट नंबर 249 कराची टू लाहौर अराइवल इज़ एट 4 PM एंड फ्लाइट नंबर 426 कराची से इस्लामाबाद विल कम एट 3 PM विल बी अराइविंग एट 3 PM एंड विल डिपार्चर 6 PM। ऐसा पूरा पैराग्राफ भी तो लिख सकते थे ना, एक एक फ्लाइट का और एंड लगाते फिर आगे लिखते फिर एंड लगाते, तो ये पैराग्राफ की शक्ल में भी लिखा जा सकता था इस डेटा को, फ्लाइट के स्केड्यूल को जो एयरपोर्ट पे लगा हुआ है। लेकिन उसमें मसला ये होता कि जब एक बंदा वहाँ पे पहुँचता ना तो वो एक पूरा मजमून एक उसके सामने लिखा हुआ होता, ये डेटा रीडेबल नहीं रहता, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप फ्लाइट स्केजुअल पढ़े वहाँ पे और वहाँ पे एक मजमून की शक्ल में उसको लिखा हो, डेटा पूरा होगा लेकिन आपके लिए वो रीडेबल नहीं होगा। अच्छा रीडेबल भी चलो मैंने बहुत बड़ा बड़ा टेक्स्ट करके लगा दिया तो टाइम कंज्यूमिंग है, पढ़ना पड़ेगा मुझे पूरा उसको। तो ग्रिड में हम इस वजह से लिखते हैं कि भाई फ्लाइट का पूरा रो एक जैसी है। अब आपने देखा मेरे पास ना फ्लाइट है 5432 नंबर है, तो मैं ऊपर से 5454 देखता हुआ आ जाऊँगा, मैं एक जगह पर आके स्टॉप हो जाऊँगा, वो पूरी रो में पढ़ूंगा। तो टाइम को बचाने के लिए कुछ डेटा इस तरह का होता है कि उसमें टाइम को बचाने के लिए उसको मुझे रो कॉलम्स में सजाना पड़ता है और उसको एक ग्रिड में लिखना पड़ता है। अच्छा कैसे होता है भला, कुछ एग्जांपल्स इन्होंने ये दिखाई दिए।
ये वो डेटा है जिसको अगर मैं टेबल में नहीं लिखूंगा तो मैं उसको पढ़ नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा मेरा। सबसे जो नीचे अखबार पड़ा हुआ है उस अखबार में कुछ स्टॉक्स की रिपोर्ट है, कुछ हर कंपनी का नाम लिखा हुआ है और उसके अगेंस्ट दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो ओपन कितने पे हुआ, क्लोज कितने पे हुआ, और एक तीसरा भी पता नहीं क्या डेटा लिखा हुआ है। तो तीन चार डेटा पॉइंट लिखा हुआ है हर कंपनी के अगेंस्ट। ये बात मजमून की तरह भी लिखा जा सकता था कि भाई के एससी 100 इंडेक्स पे जो पीटीसीएल के इतने पॉइंट्स ऊपर चले गए, इतने पॉइंट्स नीचे आ गए, एंड मैकडॉनल्ड्स के इतने ऊपर चले गए, इतने नीचे आ गए, लेकिन वो रीडेबल नहीं रहता था। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि डेटा की कोई ख़ास किस्में होती हैं, उसको हम इसमें लिखते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम टेबल में लिख ही नहीं सकते, वो कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे किसी चीज़ के बारे में अगर कोई रिव्यू लिखा हुआ है या कोई कोटेशन लिखी हुई है कि भाई फला बंदे ने ये बात बोली है, ठीक है, तो जाहिर है उसको तो हम टेबल में लिखेंगे, उसको तो पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा, ज़रूरी है ये बात, ठीक है। या कोई आर्टिकल लिखा हुआ है अगर, अब वो आर्टिकल के दरमियान में एज अ एविडेंस कोई टेबल रखी जा सकती है, लेकिन पूरा आर्टिकल टेबल में नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे इमेजेस हैं, तो हर डेटा हम टेबल में रखेंगे नहीं, कुछ ख़ास किस्म का डेटा होगा वो रखेंगे टेबल में। व्हाट इज़ अ टेबल, अब यहाँ पे ये वही पूरी बात बता रहा है। अच्छा, ये एक इन्होंने कोई स्पोर्ट्स की कोई वेबसाइट ओपन की हुई है, इसमें टेबल दिखाना चाह रहे हैं कि यार वेबसाइट पे टेबल इस तरह होती है। अब कौन मुझे बताएगा कि इस पेज में टेबल कहाँ पर है? जी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसमें टोटल चार टेबल है, सबसे पहली कहाँ पर है? अच्छा, ये इस जगह पे आप कह रहे हैं ये पहली टेबल है सबसे। अच्छा, और सेकंड इसी के नीचे फौरन बाद ये भी टेबल है, बिल्कुल सही कहा आपने। और थर्ड जो है वो राइट हैंड पे है, ये वाला। अच्छा, राइट हैंड पे भी दो टेबल है, एक ये वाली है और एक से फौरन बाद नीचे ये दूसरी टेबल है। यहाँ पे भी एक टेबल है इस जगह पे, अगर आप नोट करें ये जो चीज़ लिखी हुई है ना ये ऊपर, ये भी मोस्ट प्रॉबली टेबल में लिखी हुई है, ये जो टॉप पे ये लिखी हुई है जी, क्योंकि ये भी एक सीक्वेंस में है, इसमें कॉलम्स बने हुए हैं, चार कॉलम्स और एक रो है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे जो चीज़ बनी हुई है छोटी सी, ये भी एक टेबल है, हो सकती है, अभी तो फॉर श्योर नहीं पता, लेकिन हो सकती है ये भी एक टेबल। अच्छा, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये भी एक टेबल है, दिस इज़ अ सेपरेट टेबल, ये नीचे वाले से अलग है ऊपर वाली टेबल। तो हमने देखा कि इस पेज में बहुत सारी टेबल्स हैं, चार नहीं है बल्कि शायद आठ दस टेबल्स हैं इस पूरे पेज में, लेकिन वो चूंकि पेज इतना कॉम्प्लेक्स है तो फील नहीं हो रहा, वो बहुत सारी छोटी 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 बहुत सारी टेबल्स हैं इसके अंदर। अच्छा, तो बेसिक जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो HTML में कैसे बनता है, वो यहाँ पे बात लिखी हुई है। अच्छा, टेबल की जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है स्प्रेडशीट, जो एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है या गूगल शीट जो हम ओपन करते हैं उसमें काम करते हैं, वो सबसे कॉमन एग्जांपल है टेबल की, उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। अच्छा, तो ये एक एग्जांपल टेबल की यहाँ पे बनी हुई आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं, बल्कि कॉपी नहीं करते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये वेबसाइट हमारे पास ओपन है, कॉपी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार को यहाँ पे, ये मेरी वेबसाइट है। इसमें मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट वाले पेज पे एक यहाँ पे मैं टेबल बनाऊँ, ठीक है। टेबल बना के उसमें मैं क्या लिखूँ, नेम लिखूँ उसके सामने मेरा नाम लिख दूँ, फ़ोन लिखूँ उसके आगे मेरा फ़ोन नंबर लिख दूँ, ईमेल लिखूँ उसके आगे मेरा ईमेल लिख दूँ, एड्रेस लिखूँ उसके आगे मैं अपना पोस्टल एड्रेस लिख दूँ, ये चीज़ टेबल में होनी चाहिए, ठीक है, हो सकती है ये चीज़ टेबल में। अब मैं जाता हूँ उसके अबाउट सॉरी कॉन्टैक्ट के पेज पे, ठीक है, और कॉन्टैक्ट के पेज पे जाने के बाद दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट पेज लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे अब एक अदद टेबल बनानी है। सबसे पहले टैग लिखूँगा मैं इसके लिए टेबल, ओपन क्लोज हो गया टेबल। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, टेबल में हेडिंग होती है सबसे पहले, उसके लिए मैं लिखूँगा TH, ठीक है, टेबल की हेडिंग लिखूँगा मैं। अच्छा, उसके बाद मैं लिखूंगा TD,
कि भाई पहली हेडिंग, मैंने कहा पहली हेडिंग क्या होगी, आइटम्स, ठीक है, उसके आगे डिस्क्रिप्शन, डेटा लिख दिया मैंने, कुछ भी हेडिंग लगा सकते हैं आप। इतने को मैंने ओपन किया पहले, ज़रा देखते हैं कैसा आ गया, कुछ इस तरह का आ गया। अच्छा, उसके बाद मैं अब क्या लिखूंगा, टी आर, ये पहली रो जो है ना, इसको मैंने क्या रखा, टी एच के हेडिंग वाली रो है ये। उसके बाद जो दूसरी रो है इसको मैंने रखा टी आर। अब इस रो में भी मुझे क्या चाहिए, टी डी, टेबल डेटा। टेबल डेटा में मैंने लिखा नेम, ठीक है, कॉलन, और इसी को फिर डुप्लीकेट करके मैंने क्या दिया, मलिक। देखते हैं जी क्या बन गया, अब ये कुछ इस तरह की चीज़ बन गई है ये, लेकिन आगे पीछे हो गया, ये क्या हुआ, मैंने कुछ मिस्टेक की इसमें क्या। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ की है इसमें, अच्छा टी एच जो है वो मैंने गलत लगा दिया, वो असल में पहली रो भी टी आर ही होगी, ठीक है, उसके अंदर जो टी डी लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे टी एच होगा, ये भी टी आर होगा, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी जब भी वो परेशान हो गया था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। ये अल्टर का बटन पकड़ के ना इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं पूरी लाइन को, ये वी एस कोड का फीचर है, ठीक है। अब ये सही हुआ, प्रॉपर हो गया। अच्छा, तो आप नोट कर रहे हैं, अब एक टेबल है, उसके बाद एक आधा टेबल रो है। अच्छा, मैं उसको ना लाइन ब्रेक इस तरह कर देता हूँ तो वो के ताकि वो रेलेवेंट लगे थोड़ा। मैं इसकी लाइन ब्रेक करके ना इसको ऐसे असेंबल कर देता हूँ कि थोड़ा सा वो क्या लगे, रेलेवेंट लगे। मिसाल के तौर पर ये एक रो है मेरी पूरी, ठीक है, अगली रो को भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, इस तरह से कर देता हूँ कि वो थोड़ा, यार क्या बकवास है, असल में मैंने फॉर्मेट का बटन दबाया तो उसने वो उठा के उसको फॉर्मेट कर दिया। एच टी एम एल लिखने का तरीका तो वही है जो फॉर्मेट पे आया हुआ है प्रॉपर, लेकिन मैं इस तरह से इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि क्या हो जाए, थोड़ा सा मेक सेंस हो जाएगी ये हो क्या है। ठीक है जी, नेम मैंने लिख दिया मलिक। अब ये मेरी पूरी एक रो है, रो ऐसे वाले को रो कहते हैं, ठीक है, ये मेरी पूरी एक रो है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। पहली रो में मैंने जो लिखा था आइटम और उसके आगे डेटा लिखा था, वो उसको मैंने कहा ये हेडिंग होगी, ठीक है। अब मैं एक तीसरी रो बनाता हूँ, मैंने कहा फोन, ठीक है, और इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, एक फोन नंबर लिख दिया मैंने रैंडमली, ठीक है, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, ये मुझे दिखना शुरू हो गया। अब इसको क्या मसला है भाई, ये अभी भी कुछ आगे पीछे हो रहा है। अच्छा, हेडिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में नज़र आती है, इसलिए मुझे ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, वो सेंटर में हो जाती है, तो ये हेडिंग असल में सेंटर में हुई थी, और कोई मसला नहीं है। सॉरी, हाँ हाँ, ये तो सब चीज़ें हो सकती हैं, अभी हम वो आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, पहले तो हम एक बेसिक टेबल बना रहे हैं। नाम फोन के बाद मैंने लिखा क्या, ईमेल, ईमेल लिखकर मैंने कहा कि भाई मलिक एट sysball.com, ठीक है, ये कर दिया मैंने। ठीक है जी, मेरा ये टी आर यहाँ से शुरू है, यहाँ ख़त्म है, और बीच में एक टेबल डेटा, दो टेबल डेटा। अब ये एक जो टेबल डेटा है असल में क्या है, ये टेबल का सेल है, इसको अगर स्प्रेडशीट की ज़ुबान में बोलूँ मैं तो इसको हम कहते हैं सेल, तो ये एक सेल है मेरा। एक और बना लेता हूँ अभी मैं, एक और बना के इसमें मैंने कहा एड्रेस, और मैंने कहा भाई एच नंबर 1 2 3 4, ठीक है, और 9th स्ट्रीट
ठीक है, और जो भी कराची सिटी, ये मैंने लिख दिया भाई। एक टेबल मैंने तैयार कर ली जिसमें मेरे पास क्या है, चार आइटम्स हैं टोटल, ठीक है, बिल्कुल सही बनी भी आ गई टेबल की तरह से ही है। अगर मुझे अब मज़ीद इसमें सेल ऐड करना है तो मैं मज़ीद सेल ऐड कर सकता हूँ, मज़ीद नीचे रोज ऐड करनी है मैं मज़ीद रोज ऐड कर सकता हूँ, जितना भी मैं चाहूँ डेटा इसमें ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये भाई बेसिक टेबल एक हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब इस टेबल के अंदर क्या स्टाइलिंग हो सकती है, क्या क्या कुछ हो सकता है, वो सब हम आगे देखते रहेंगे। ये कोड इन्होंने एक लिख कर भी बताया हुआ है जिसमें क्या है, हर रो के अंदर एक हेडिंग है। मैंने तो क्या किया, पहली वाली रो में हेडिंग डाली है ना सिर्फ, तो लेकिन ऐसे वाली में भी हेडिंग हो सकती है। मिसाल के तौर पे प्लेयर का नाम है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे रन्स लिखे हुए, इधर प्लेयर का नाम लिखा हुआ है सारा कि भाई पहले ओवर में इतना रन, दूसरे ओवर में, तो उसमें फिर हेडिंग ऐसे भी होगी और ऐसे भी होगी, टॉप पे भी होगी और वर्टिकली राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पे भी आपको वर्टिकली भी दिख रही होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या हो रहा है। स्पैनिंग कॉलम, मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि दो कॉलम्स को मैं मर्ज कर दूँ। ये आप देख रहे हैं इसमें ये क्लास का स्केड्यूल है कि भाई मंडे को 9 से लेके 10 बजे तक जियोग्राफी की क्लास होती है, और जिम की क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होती है, 9 बजे से लेके 11 बजे तक होती है ट्यूसडे को। तो इन्होंने दो सेल को मर्ज किया हुआ है, तो ये काम भी मैं क्या मैं कर सकता हूँ, इसका जवाब है हाँ। इस काम को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसका कॉलम स्पैन कितना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऊपर वाली हेडिंग को आगे बता दूँ, ठीक है, कॉल स्पैन 2, तो देखें क्या होता है, ये आइटम्स जो है ना ये दो कॉलम की जगह ले लेगा। रिफ्रेश किया मैंने इसका, आप देखें दो कॉलम की जगह ले ली। अच्छा, इसमें मैं बॉर्डर लगाने की कोशिश करता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल, तो सॉरी ऐसा नहीं होगा बॉर्डर इसमें। अभी हमने कवर नहीं किया स्टाइलिंग, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि दो लिया हुआ उसने एग्जैक्टली। अच्छा, ये इस तरह तो ऐसे हो गया, सॉरी नहीं, इन्होंने आगे भी बताया है, असल में मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल रहें चीज़ें थोड़ी सी। अच्छा, सिर्फ बॉर्डर करके लिखेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि स्टाइलिंग में चला गया ना मैं, तो फिर स्टाइलिंग में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बॉर्डर इक्वल्स 1, तो ये इससे 1 पिक्सल का बॉर्डर ऑटोमेटिकली इसको दे देगा ये, ठीक है, ये 1 पिक्सल का बॉर्डर आ गया। अच्छा, अब आप नोट कीजिए, जब मैंने ये कॉल स्पैन इसमें नहीं लगाया हुआ था तो ये क्या करता था, रिफ्रेश किया तो ये एक एक कॉलम ही लेता था, आइटम्स अपना कॉलम ले रहा था और डेटा अपना एक कॉलम ले रहा था। अगर मैं इसको कर दूंगा ना कॉल स्पैन 2, तो इसने 2 की जगह ले ली, 2 में मर्ज हो गया। अगर मैं इसको बढ़ा के 3-4 कर दूंगा अगर, तो ये फिर 4 की जगह ले लेगा, लेकिन जाहिर है 4 है नहीं वो, तो जितना था उतना ले लिया उसने पूरा, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसके थोड़े मैं कॉलम बढ़ा देता हूँ ताकि ना उस चीज़ को हम सिमुलेट करके देख सकें, ठीक है। मैंने नेम करके 2 बार कर दिया कॉलम्स बढ़ाने के लिए जस्ट, तो आप देख रहे हैं कॉल स्पैन मैंने क्या किया हुआ था, 4 किया हुआ था, तो उसने 3 भी ले लिए, जितना मिला उसने ले लिए। मैं वापस इसको 2 करता हूँ तो अब ये 2 कॉलम लेगा, देखें 2 लिया इसने, आइटम और उसके आगे डेटा। मैं किसी का भी कॉल स्पैन बढ़ा सकता हूँ, मिसाल के तौर पर इस नेम का भी मैं कॉल स्पैन बढ़ा सकता हूँ, कॉल स्पैन 2, तो अब ये पहला वाला नेम आप देखें इसने 2 कॉल स्पैन ले लिया। तो जो स्प्रेडशीट में जो सारी चीज़ें हो सकती हैं ना कॉलम से रिलेटेड के, ऐसे करके मर्ज कर दो, वो सब इसमें भी हो सकता है, स्टाइलिंग से रिलेटेड चीज़ें। अच्छा, तो ये कॉल स्पैन हमने देख लिया। अच्छा, उसके बाद है रो स्पैन, कि भाई 2 रोज को कैसे मर्ज कर सकते हैं आपस में, है ना, स्प्रेडशीट में 2 रो भी मर्ज हो जाती है, एक तो हमने 2 कॉलम को ऐसे वाले को मर्ज कर दिया, 2 रो कैसे मर्ज हो सकती हैं, इसमें हम बोलेंगे रो स्पैन,
ठीक है, रो स्पैन आके जब मैं बोलूँगा, अगर मुझे मिसाल के तौर पे किन दोनों को मर्ज करना है, मुझे नेम वाले को ना मुझे ऐसे दो पे लेके जाना है यूँ, तो मैं नेम वाले पे आके क्या बोलूँगा, रो स्पैन टू, वो नीचे भी जगह ले लेगा। अच्छा फिर नीचे वाला कहाँ जाएगा, देख लेते हैं कहाँ जाएगा।